कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने सपनों के बल पर महान बन जाता है। जब वह साधारण व्यक्ति महानता को ग्रहण करने लगता है तो वह उस समाज, राज्य और देश का ना होकर वह पूरे विश्व का हो जाता है। यह कहानी है भारत माता के लाल APJ अब्दुल कलाम की, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। जिनकी एक खूबसूरत आदत थी कि यदि कहीं कोई गलती हो जाए तो वह उसे झट से मान लेते थे, लेकिन यदि कोई बड़ी सक्सेस मिले तो कलाम क्रेडिट नहीं लेते थे। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल बकर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल अब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी। कलाम अपने एक बहन और चार भाइयों में से सबसे छोटे थे। उनके पिता बड़े से बड़े मसलों को आम तमिल जुबान में सुलझा लिया करते थे। कलाम को अपने पिता से सेल्फ डिफेंस और माता से अच्छाई पर विश्वास करना और रहमदिली मिला। उनके पिता कलाम से कहते थे, जब आफत आए तो आफत को समझने की कोशिश करो, मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। कलाम का बचपन हिंदू और मुस्लिम धार्मिक माहौल में बीता। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। कलाम अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम चले गए, जहां स्क्वाटर्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में अपनी पढ़ाई पूरी की। कलाम आगे की पढ़ाई के लिए संत जोसेफ कॉलेज तिरुचिपल्ली चले गए, जहां उन्होंने साल 1952 से लेकर साल 1954 में अपना BSc फिजिक्स का डिग्री पूरा किया। साल 1955 में फिर कलाम MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कैसे भी करके एंट्रेंस एग्जाम तो पास कर लिए, पर एडमिशन के लिए 1000 रुपीज की जरूरत थी, जो उस वक्त एक बड़ी रकम थी। ऐसे में उनकी बहन जोरा आगे आई। उन्होंने बेझिझक अपने भाई कलाम की एडमिशन के लिए अपने सोने के कड़े और गहनों को गिरवी रख पैसों का इंतजाम की। कलाम अपनी बहन का विश्वास देख अंदर ही अंदर पसीज गए और उस दिन प्रण किए वह अपनी मेहनत से अपनी बहन के गहनों को छुड़ाएंगे। यही से भारतीय मिसाइल मैन का जन्म हुआ। साल 1955 से लेकर 1957 में MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने लगे। फर्स्ट ईयर के बाद कलाम को अपना स्पेशलाइजेशन चुनना था। कलाम ने अपनी ख्वाहिश, हौसला, समर्पण और विश्वास को चेक किया तो पाया कि उन्हें तो उड़ना है, इसलिए वे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को चुना। MIT में पढ़ाई पूरी कर कलाम HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बैंगलोर में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के रूप में ट्रेनिंग के लिए आ गए, जहाँ ट्रेनिंग पूरा करते ही अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्हें दो मौका मिला, एक एयरफोर्स में, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। कलाम ने दोनों में अप्लाई कर दिया। दोनों से ही कलाम को इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। वे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए दिल्ली गए, वहाँ उनका इंटरव्यू अच्छा हुआ। फिर एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए देहरादून गए, वहाँ इंटरव्यू में आए 25 कैंडिडेट्स में से 9th स्थान आया, जबकि जरूरत 8 कैंडिडेट्स की थी। फिर कलाम दिल्ली आ गए और इंटरव्यू के प्रत्युत्तर में उन्हें अपॉइंटमेंट का लेटर थमा दिया गया। उन्हें 250 रुपए की प्रति महीने की सैलरी पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर नियुक्त कर दिया गया। साल 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया। DRDO में कलाम को उनके काम से संतुष्ट नहीं मिल रही थी। साल 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में हुआ। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में साल 1980 में स्थापित किया गया। ISRO में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था, और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया तब उन्हें लगा जैसे वो वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। इसी तरह कलाम ने स्वदेशी शक्तियों का उपयोग करते हुए अग्नि, त्रिशूल और पृथ्वी जैसे मिसाइल बनाकर दुनिया में मिसाइल मैन कहलाए। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दी थी। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक
डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। 1998 में पोखरण में परमाणु शक्ति का सफल प्रयोग कर कलाम ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। साल 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेट का नाम दिया गया। साल 2011 में प्रदर्शित हुई हिंदी फिल्म IM कलाम उनके जीवन से प्रभावित है। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख हैं India 2020, A Vision for the New Millennium, Wings of Fire, An Autobiography, Mission India, etc. कलाम को जल्द ही अपने उपलब्धियों से बड़ा इनाम मिला। कलाम राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुने गए, जिन्हें 90% मतों से जीत मिली और 25 जुलाई 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। कलाम ने अपना कार्यकाल बड़े अनुशासन प्रिय और बेहद सहज तरीके से 25 जुलाई 2007 को पूरा किया। इसके बाद कलाम ने अपना शेष जीवन देश के स्टूडेंट के नाम कर दिया। अब कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर और जैसलमेर से शिलोंग तक घूम घूम कर देश निर्माण के लिए स्टूडेंट को प्रेरित करते थे। कलाम देश के महत्वपूर्ण विषयों पर स्टूडेंट के विचार भी जानते थे और अपना विचार भी शेयर करते थे। 27 जुलाई 2015 की वह शाम जब कलाम IIM शिलोंग में स्टूडेंट को संबोधित कर रहे थे और वे संसद की अव्यवस्था पर स्टूडेंट्स के विचार लेने वाले थे कि तभी कलाम का दिल जोर से धड़क उठा और कलाम सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पर उन्होंने अपना हौसला, लगन, चाह को यही छोड़ गए हम भारतीयों के लिए जो हमारे दिलों में जिंदा है।